अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले पार्किंग में बारिश का पानी भरने की वजह से मेरी गाड़ी के अंदर ही पानी आ गया। जैसा कि आप देख सकते हो कि पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी है कि कारपेट्स और सब पैड्स गीले हो गए हैं। ये बिफोर जब मैंने गाड़ी खड़ी की थी, और ये आफ्टर गाड़ी हटाने के बाद पूरी पार्किंग डूब गई हुई थी। अब इसको वॉश करने के लिए पूरी गाड़ी खोलनी पड़ेगी अंदर से, यानी सीटें और कारपेट वगैरह। सीटें खोलेंगे तो फिर कारपेट बाहर आएंगे। अब मसला ये है कि अक्सर गाड़ियों में होते हैं मोटे फोम पैड इन कारपेट के नीचे, तो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इधर ड्रैन नहीं होते और जंग की वजह बनते हैं। वो मैंने फिलहाल निकाल लिया है, लेकिन अभी तक ये कारपेट गीला है। और जो पिछला कारपेट है उसके नीचे से मैंने फोम पैड निकाल दिए हैं ताकि वो ड्राई हो जाए मैक्सिमम, लेकिन अभी तक ये कारपेट गीला है, ऐसे आप देख सकते हो। अब अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ सेम एक्सपीरियंस हो, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि कारपेट उतारना है साइड से, जैसे कि मैंने उतारा हुआ है। और इसके अंदर जब आप हाथ डालोगे तो आपको फील होगा या फिर नज़र भी आ जाएगा, एक ब्लैक कलर का स्टॉपर सा होगा गाड़ी के फ्लोर में लगा होगा। ये हर गाड़ी में होते हैं 8 से 10। मैंने कोशिश की थी और 4 उतारे थे मैंने बगैर कारपेट रिमूव किए, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी से काफ़ी हद तक पानी निकल गया था। आप ये फ्लो में देख सकते हो कितना पानी था, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक निकल गया। बाकी वही रहेगा जो गाड़ी ने अब्जॉर्ब कर लिया था। अब मेन कारपेट को निकालने के लिए सबसे पहले रियर सीट खोलनी होगी। इसमें कोई नट बोल्ट पेश नहीं होते, सिंपल क्लिप होंगे जो बॉडी के अंदर जा रहे होंगे। इसको सिंपल आपने खींचना है इस तरह, और ये बाहर आ जाएगी। सब गाड़ियों में तकरीबन ऐसा ही होता है। इसके बाद फ्रंट सीट को खोलने के लिए 2 नट आगे होंगे और 2 नट पीछे होंगे। अक्सर गाड़ियों में ये नट छुपे होते हैं इन पैनल्स के नीचे, मेरी गाड़ी में छुपे हुए हैं। पहले ये पैनल निकाल लेना है, पहले फ्रंट वाला फिर बैक वाला। इसके बाद राइट साइड में भी छोटा सा पैनल होता है अक्सर गाड़ियों में, इसको खोल लेना है सिंपल इस तरह। अब नट खोलने के लिए आपको चाहिए होगा 14 mm का सॉकेट। अक्सर गाड़ियों में सेम नंबर का होता है, आपने डिफरेंट भी हो सकता है। इनको सिंपली खोल लेना है इस तरह, और खोल लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा टाइट कर देना, क्योंकि हमने रियर नट खोलने के लिए सीट को आगे करना होगा। अगर ये लगे नहीं होंगे तो सीट अपनी जगह से हिल जाएगी। जैसे फ्रंट खोलने हैं उसी तरह सिंपल बैक खोल लेने हैं, और एक्स्ट्रा टॉर्क के लिए कोई और सॉकेट लगा लो इसके पीछे, और सीट ईजिली बाहर आ जाएगी। लेकिन ध्यान से, ये हैवी होती है और बॉडी को टच ना हो, नहीं तो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। सेम इसी तरह राइट साइड की सीट मूव कर लेनी है, और मूव करने के बाद जो नट जहाँ के हैं उनको वहीं टाइट कर देना ताकि नट्स घूमे ना। अब लियाना का सेंटर कंसोल मूव करने के लिए मेरी डिटेल्ड वीडियो है, हैंड ब्रेक एडजस्टमेंट वाली वीडियो में मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा इसकी। फिलहाल के लिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ ऐसे। तो ये नीचे से कंडीशन है कारपेट की, सीट्स वगैरह मूव करने के बाद इतना गंदा नहीं है लेकिन गीला है, जो कि मेन मसला है। अब इस कारपेट को निकालने के लिए छोटे मोटे और क्लिप्स होंगे, जैसे कि वायर हार्नेस का छोटा सा क्लिप है जिसने कारपेट को पकड़ा हुआ है, ये वाला। इसके अलावा स्टेयरिंग कॉलम के नीचे भी कुछ 2-3 होंगे, जैसे कि ये फुट रेस्ट है, स्टेयरिंग कॉलम का कवर है, और छोटा सा लॉक है। ऐसे सब लॉक आपने पहले चेक कर लेने हैं और रिमूव कर लेने हैं। पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा लॉक्स भी हों, लेकिन आपने उनको ध्यान से रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो इनका मिलना मुश्किल होता है। ये सब रिमूव करने के बाद कारपेट ईजिली बाहर आ जाएगा इस तरह। और फाइनली ये कंडीशन है मेन बॉडी की, काफ़ी हद तक ड्राई हो गई हुई है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं कीचड़ और थोड़ा बहुत पानी है। इन सील्स की, इन स्टॉपर्स की बात कर रहा था मैं, ये सुराख इसे मैंने उतार लिया था, इससे मूव नहीं हुआ क्योंकि सीट के नीचे था। इसके अलावा जो फ्रंट वाला है वो मैंने मूव कर लिया था। अब एक और मसला ये है कि गाड़ी के कुछ पार्ट पे जंग लग रहा है, जो कि ऑब्वियसली लगना था, 2 दिन से गाड़ी गीली है, और जो पार्ट ज़रा जंग लगा होगा या फिर जो पार्ट अनपेंटेड हो गए उन पर जंग लगना ही था। इन सबको मैं पेंट कर लूँगा और इनकी पिक्चर शेयर करूँगा आगे चल के। तकरीबन सारे पैनल, सब सीट उतार लिए मैंने, और इन सबको वॉश कर लिया मैंने। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ये वो वाइट फोम के पैड था जिनकी मैं बात कर रहा था, पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सब गाड़ियों में खैर ये नहीं होते, और जिनमें होते हैं वो गीले हो जाते हैं, अजाब बनता है। इसके अलावा जो रियर सीट थी उसको मैंने साफ़ कर लिया, जो फ्रंट सीट थी उनको वॉश कर लिया, गाड़ी के कारपेट जो थे वो सब वॉश्ड हैं। इसके अलावा जो ट्रंक का मैट था वो भी मैंने धो लिया, हर गीला नहीं हुआ था ये। और जो सबसे मुश्किल काम था, गाड़ी का मेन कारपेट धोना, इसको वॉश करके ड्राई कर लिया। अब गाड़ी का इंटीरियर वॉश करने से पहले आपने लाजमी गाड़ी का नेगेटिव या कोई भी टर्मिनल उतार लेना है, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो इन केस पानी कहीं चला जाए। और इस बैक हम्प और सेंटर पे जो हम्प है इनको अवॉइड करना है, क्योंकि बैक हम्प पे कुछ वायर्स होती हैं, कुछ गाड़ियों में ज़्यादा वायर्स होंगे इसके नीचे से गुजर रही होंगी। और सेंटर हम्प को भी गीला होने से अवॉइड करना है, क्योंकि इससे हैंड ब्रेक की वायर गुजर रही होती हैं, सेंटर कंसोल की, सीगर लाइटर की, पावर सीट्स हैं और गियर वगैरह की वायर्स, इसलिए इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपके गाड़ी की वायर्स यहाँ नीचे चिपकी हुई हैं तो इनको उतार के आपने ऊपर कर लेना, ताकि गीली ना हो। बाकी जो वायर्स यहाँ लेफ्ट साइड पे ऊपर जा रही हैं इनकी खैर है, ये गीली नहीं होंगी। अब गाड़ी वॉश करने के लिए आपने प्रेशर वाला पानी यूज़ नहीं करना, नॉर्मल पानी लेना है, सारा एरिया गीला कर लेना है। प्रेशर होगा तो मिट्टी नहीं जाएगी, सिर्फ पानी ही ड्रेन होगा इन होल्स से। और सिंपली कपड़े और किसी भी ब्रश से सारा एरिया साफ कर लेना, क्योंकि टाइट कॉर्नर्स काफ़ी होते हैं, उनसे कपड़े से आप वॉश नहीं कर सकते। और सिंपली वॉश कर लेना है इस तरह। ये वॉश करने के बाद के रिजल्ट्स हैं परफेक्ट, काफ़ी फ़र्क आ गया है, ये बिफोर और ये आफ्टर। अब जैसा कि पहले मैंने बताया था, जो छोटा सा मसला है कार है वो इस जंग के छोटे मोटे स्पॉट्स हैं, हम नज़र आ रहे हैं अच्छी तरह, क्योंकि गाड़ी धुल गई है। इसके बारे में मेरी डिटेल से वीडियो है, मैं उसकी लिंक अटैच कर दूंगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये बिफोर के रिजल्ट्स,
ये रस्टिंग करने के बाद और ये पेंट के बाद, परफेक्ट। जहाँ जहाँ भी जंग था मैंने सब पार्ट्स को पेंट कर दिया है, पीछे पूरी लाइन पेंट की है, यहाँ जो भी छोटे मोटे स्पॉट्स थे उसके बजाय मैंने पूरा पार्ट पेंट कर दिया है, यहाँ से पेंट किया है, आगे ये वाली साइड पूरी पेंट किया है। इसके अलावा जो हैंडबैग के पास वाली साइड है उस पर छोटे स्पॉट्स थे बेल्ट की जगह पे जंग के, वो भी मैंने पेंट कर दिए हैं, और यहाँ वाला हिस्सा भी। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट काम, आपने गाड़ी खोली ही है तो ऐसे ग्राउंड वायर्स होंगे गाड़ी के जगह जगह पे, इनको खोल के साफ कर लो, टाइट कर दो, ताकि गाड़ी इन फ्यूचर आपको तंग ना करे, क्योंकि जो गाड़ी एबनॉर्मल बिहेव करती है वो इनके लूज या गंदे होने की वजह से होता है। इसके अलावा गाड़ी की इंसुलेशन अगर कहीं से उतर रही है, मैंने थोड़ी सी उतारी थी, यहाँ पानी जमा हो गया था गाड़ी गिली होने की वजह से, तो उसको इस तरह टेप कर दो। और फाइनली जो लॉक्स हैं सेंटर बॉडी पे वो लगा दो ताकि वायरिंग हिलती ना रहे, और जो ये साइड के लॉक्स हैं ये कारपेट लगाने के बाद लगेंगे ताकि ये उसको ग्रिप करें। अब गाड़ी बंद करने से पहले सब कुछ रीचेक कर लो, गाड़ी जब ड्राई हो जाए उसको स्टार्ट करो, गाड़ी के जो छोटे मोटे काम है जो आप खोले कर सकते हो, जैसे ये गियर को लुब्रिकेट करना है, मैंने पूरी ग्रीस ही डाल दिया इसके अंदर। इसके अलावा जो हैंडब्रेक की वार्निंग लाइट्स हैं, बाकी एसी वगैरह सब कुछ चेक कर लो, हैंडब्रेक भी चेक कर लो क्योंकि हमने इसकी भी तार उतारी थी सारे कंट्रोल मूव करने के लिए, और जितनी भी वायरिंग है छोटी मोटी चीज़ें जो कि आप गाड़ी खोल के ही कर सकते हो। बस सब तसली कर लेने के बाद आप करनी है गाड़ी बंद। अब गाड़ी बंद करने से पहले जो रबर्स लगाने हैं उनमें ध्यान रखना है कि अगर आपके रबर ज़रा भी डैमेज है ना तो इन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, क्योंकि अगर ये ख़राब और लीक हो गए तो आपको फिर गाड़ी पूरी खोलनी पड़ेगी जस्ट इन रबर्स को चेंज करने के लिए। इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा रबर्स ले आया हूँ, जहाँ जहाँ भी कहीं भी कोई रबर थोड़ा सा भी डैमेज होगा उसको चेंज कर देना है, क्योंकि ये बहुत चीप होते हैं और इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो इन फ्यूचर आपको ओला ना करे, मुसीबत फेस करनी पड़ सकती है। कारपेट लगाने से पहले सारे फोम पैड्स रख लेने हैं और स्टायरोफोम के पीसेस जो फ्रंट के गैप को फिल करेंगे, खैर ये सब गाड़ियों में नहीं होते हैं। और फिर सब कुछ रीचेक करके एक बार दोबारा आपने लगाना है मेन कारपेट। मेन कारपेट पे ऑलरेडी कर्व और हम्प बने होते हैं, आपको पता होगा कि कौन सी साइड कहाँ आएगी, ये लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और सिंपली सारे पैनल्स फिक्स कर लेने हैं ताकि कारपेट जितना बैठ जाए अपनी जगह पे, और फिर सीट जिस तरह उतारी थी उसी तरह। ये आ गया गियर नॉब और रियर सीट, रियर सीट उसी तरह आपने पहले पिछला हिस्सा घुसाना है, और आगे जो से क्लिप बने होंगे उनको सिंपली बॉडी में होल्स होंगे उसमें डालना है और दबा देना है, दैट्स इट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है गाड़ी की फाइनल कंडीशन, एज गुड एज न्यू, कोई स्मेल नहीं, कोई स्टेन नहीं, कोई कारपेट गिरे नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है गाड़ी। अक्सर कहते हैं गाड़ी आप खोलोगे तो बाद में खड़क जाती है, वो सिर्फ तब होता है जब आप गाड़ी से इतना बंद ना करो, हमने सब नट बोल्ट्स लगाए हैं, सब पैनल फिक्स किए हैं तो गाड़ी खटकेगी नहीं। इसमें मुझे तकरीबन 2 दिन लगे, क्योंकि 1.5 दिन में मैंने वॉश किया और एक रात लगाई थी मैंने सारे कापड़ धोने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।